ये हमारा है खास सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, लेकिन टेक्निकल की पढ़ाई की। और इस खास सेगमेंट को जिसको हम कहते हैं टेक्निकल क्लासरूम विद आशीष क्याल, जिसमें हमारे साथ आशीष क्याल जी होंगे जो हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस को समझ करके, चार्ट्स की पढ़ाई करके, चार्ट्स को ठीक से एनालाइज करके किस तरीके से स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कैंडलस्टिक पैनल। आशीष क्याल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेगमेंट में फिर से। तो आशीष क्याल जी, जितना हम आपके बारे में जानते हैं कि आपका एक गुरुकुल है, आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल, जहाँ पे आप, जिसके माध्यम से आप लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग और वेव स्ट्रेटजी जैसी चीजें सिखाते हैं, और साथ में आपका एक रिसर्च विंग भी है, वेव स्ट्रेटजी रिसर्च विंग। तो ये चीजें जब आप चलाते हैं तो जाहिर बात है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस टेक्निकल चार्ट्स का, रीडिंग का बहुत पुराना है। तो ये कहाँ से, कब से शुरू हुआ, एक ब्रीफ में अगर कुछ हमें बता सकें। बिल्कुल, देखिए कैसा है कि एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस शो पे मुझे बुलाया और ये हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सीखा जाए। तो ये शुरुआत हुई थी 2006-07 के दौर से, जब मैं लीमन ब्रदर्स में काम करता था। 2008 में आपको सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लीमन ब्रदर्स में बैंक्रप्सी हुई। तभी मैंने देखा कि फंडामेंटल्स तो ठीक है, उस समय पे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था कि कौन सी चीज को देख के समझा जाए कि मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग गिरावट आएगी और लीमन ब्रदर्स जैसा स्टॉक भी इतना $30 से गिर कर फ्यू सेंट्स तक आ जाएगा। तभी मैंने चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन CMT करके एक स्टडी है जो US के थ्रू है शुरू की, टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी शुरू की। वहां से पढ़ता चला गया, सीखता चला गया और आज भी अगर देखें तो काफी चीज मैं सीखते ही जा रहा हूँ। सो मार्केट इज ऑलवेज कीपिंग यू ऑन द टोज, आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं और मुझे लगता है ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है कि हर एक ट्रेडर को सीखना होगा और साथ ही में मार्केट के साथ में बिहेवियर को समझते हुए अलग अलग चीजों को परखना होगा। जी, तो आशीष जी, जब हम आज ये क्लासरूम आपके साथ में शुरू कर रहे हैं उसके सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि इस क्लासरूम, इस सीरीज के माध्यम से हमारे दर्शकों को टेक्निकल एनालिसिस समझने की एक एम्पावरमेंट मिले, एक ताकत मिले, वो समझ सकें या खुद उन चार्ट्स को रीड करके समझ सकें कि बाजार में किस तरीके से काम किया जा सकता है। और जहां तक हम जानते हैं कि उसके सबसे बेसिक या सबसे पहली कड़ी होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि जहां सिंपल चार्ट्स जो लाइन दिखाती हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती हैं कई बार, वो केवल ट्रेंड बता सकते हैं लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं बता सकते। लेकिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर में और डिटेल्स पता चलती हैं, या प्रेडिक्शन एटलीस्ट एक अलग अलग तरीकों से कैंडलस्टिक्स देते हैं। तो एक बार अगर आप बता सकें कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो बहुत ही पावरफुल टूल है मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, दिन के ट्रेंड को समझने के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो ट्रेंड को समझने के लिए, तो कैंडलस्टिक बहुत पावरफुल टेक्निक है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि काफी जन जो इस मेथड को यूज करना चाहते हैं वो खाली बुक में पढ़े हुए पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते और ना ही के जो मार्केट के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जो देखना चाहिए वो समझते। दूसरी दिक्कत आती है कि आप खाली गूगल पे जाके देख लेते कि इसे इस तरीके से अप्लाई करना है, इमीडिएटली आपने 5 मिनट में सीखा और अप्लाई करना शुरू किया, तो वहां पर जो आप मानेंगे नहीं, करीबन 90% जो ट्रेडर्स है वो पैसा नहीं बनाते बाजार से। उसका कारण एक ही है कि उन्हें जो अप्लाई करना है वो एक बहुत सिस्टमैटिक मेथड से अप्लाई करना है। और मैं कैंडलस्टिक के बारे में आपको अभी बताऊंगा चार्ट के जरिए कि कैसे उस मेथड को अप्लाई किया जाता है, कैसे सही तरीके से उन्हें उसे देखा जाता है। ज्यादा पैटर्न्स के डिस्कस नहीं करेंगे हम, थोड़े पैटर्न्स लेंगे, समझेंगे कि सही कॉन्टेक्स्ट में, सही मायने में वो पैटर्न को देखकर आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, आप निवेश करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कैंडलस्टिक के साथ ट्रेंड समझना होगा। तो वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके। और बहुत ही सिंपल है, आपको अगर प्लॉट करना है आपको सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, आजकल तो बहुत फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, investing.com है जहां पर हम फिलहाल ये चार्ट को प्लॉट करके आपको दिखाएंगे। तो ये आपके स्क्रीन के सामने investing.com पे हम जाके निफ्टी के बारे में एक चार्ट प्लॉट किया, निफ्टी का एक चार्ट प्लॉट किया जो आप क्लियरली यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ पहले तो एक्सप्लेन करने के लिए कि कैंडल होता क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक नहीं समझेंगे कि कैंडल क्या होता है, आपको उसे प्लॉट करना कैसे वो समझ में नहीं आएगा, और ये चार्ट आपको क्या दर्शाता है वो समझ में नहीं आएगा।
तो कैंडल यहाँ पर अगर आप जो देख रहे हैं, इसमें दो कलर आपको दिख रहे हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। रेड कलर का मतलब होता क्या है, पहले तो मैं वो बताता हूं आपको। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की कैंडल, यहां पर रेड कलर की कैंडल में आप देख सकते हैं कि जो ओपन हुआ था प्राइस, यहां पर ये ओपनिंग प्राइस है जो ऊपर के लेवल पे हुई थी करीबन 15,321 के आसपास, और जो क्लोज हुई प्राइस वो ही 14,953। इससे ये पता चलता है कि आज के बाजार में भले ही मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन क्लोज होते होते वो नीचे की ओर क्लोज हुआ, तो ये एक बेरिश साइन होती है पूरे दिन के लिए। तो ये होता है एक रेड कैंडल। इसी के साथ में आपको और दो चीज समझनी होगी कैंडल में, हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि तीन से चार चीजें आपको समझनी है, एक ओपन प्राइस, उसके साथ में एक लो प्राइस, और उसके साथ में हाई और क्लोज। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अगर आप लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं तो हम खाली क्लोज प्राइस देखते हैं, लेकिन अगर आप कैंडल प्लॉट करते हैं तो आप ओपन, हाई, लो, क्लोज सभी देखते हैं। बार चार्ट के कंपैरिजन में कैंडल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बार चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कैंडल की कलर शायद ना मिले, और कलर अगर कर भी देते हैं तो आपको विड्थ नहीं मिलती, तो आपकी वो कैंडल काफी बारीक दिखती है, लेकिन कैंडलस्टिक के कारण, विड्थ के कारण आप उस दिन के मूव को या उस समय के मूव को बहुत ही अच्छे से पकड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल जो बना था, ये बजट डे पे बना था। मुझे पता है जो ट्रेडर्स होंगे उन्हें 1 फरवरी बजट के कारण नहीं तो कैंडल के कारण याद होगा। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस दिन पे बाजार का जो निचला स्तर था, जो लोवेस्ट लेवल था, वो 13,660 था, और जो हाईएस्ट लेवल था वो 14,336 था। तो ये बहुत बड़ा कैंडल था, करीबन आप देखेंगे यहां पर 700-600 पॉइंट का मूव बाजार ने दिखाया था एक दिन के अंदर। ये बहुत बड़ा मूव है। अगर आप इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल का जो लो है, जो नीचे का एरिया है उसे लो बोलते हैं, उसे शेडो बोलते हैं, ऊपर का जो आप देख रहे हैं इसे शेडो बोलते हैं या विक बोलते हैं, और ये ग्रीन कलर की जो कैंडल आप देख रहे हैं उसे बॉडी बोलते हैं। तो ये चीजें समझने के बाद में अभी हम आगे बढ़ते हैं कैंडल्स के पैटर्न समझने के लिए। अभी आपको समझ में आएगा कि अगर आप लाइन चार्ट करेंगे तो लाइन चार्ट पे आपको केवल ये देखिए, ये बार चार्ट हो गया। अगर मैं लाइन चार्ट करूं तो लाइन चार्ट पे आपको केवल लाइन दिखेगी, हाई लो क्लोज नहीं दिखेगा। बार चार्ट अगर आप करेंगे तो बार चार्ट पे आपको कलर भले ही दिख रहा है लेकिन आपको विड्थ नहीं दिखती है, ये बारीक हो जाता है। और कैंडल अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से दर्शाते हैं कि क्या पैटर्न है। अभी चलिए पैटर्न के बारे में समझते हैं। पहला पैटर्न तो जो मैं बताना चाहूंगा वो एक पैटर्न है जिसे कहते हैं हम डोजी। डोजी बहुत ही सिंपल पैटर्न है। ये आप जो देख रहे हैं कैंडल को, जो कैंडल यहां पर आपको दिख रही है वो डोजी कैंडल है, क्योंकि इसकी ओपन और क्लोज दोनों सेम लेवल पे है। तो ओपन और क्लोज अगर दोनों सेम लेवल पे होती है तो इसे हम डोजी इसलिए कहते हैं कि दिन में बैलेंस्ड अप्रोच था, ना ही बाइंग इमर्ज हो पाई और ना ही सेलिंग इमर्ज हो पाई। ऊपर नीचे जाने के बाद मां बाजार वहीं पे आके फिर से रुक गया, तो ये एक पॉज इंडिकेट करता है, एक इनडिसीजन इंडिकेट करता है। तो यहां पर दो कैंडल के डेली चार्ट पे, दो कैंडल के बाद आपको एक पॉज देखने को मिला। ये पॉज के बाद में कंटिन्यूएशन ट्रेंड के लिए हमें डोजी का लो ब्रेक करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, बल्कि डोजी का हाई ब्रेक हो गया। तो उससे वो पता चलता है कि ये कैंडल के बाद में ट्रेंड रिवर्स हुआ। अभी कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ट्रेडर्स करते हैं, वो डोजी देखते हैं, उन्हें लगता है ट्रेंड रिवर्सल आ गया और वो इमीडिएट जंप करते हैं। नहीं, डोजी के बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के लिए। अगर कैंडल बुलिश बना है तो आप बोलेंगे रिवर्सल हुआ, अगर इस डोजी के लो के नीचे क्लोज होता है तो आप बोलेंगे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ। तो डोजी को उस तरीके से देखना जरूरी होगा। अगर आप ये वाले कैंडल पे देखिए, ये है 4 अप्रैल का, ये 8 अप्रैल का कैंडल है, ये एक डोजी बनाया। आज के दिन जो 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल के मूवमेंट पे अगर आप देखें तो बाजार ने लो भले ही ब्रेक किया डोजी का, लेकिन फिलहाल क्लोज नहीं किया डोजी के नीचे। इसका मतलब अभी बाजार बैलेंस्ड अप्रोच में है। आपको वेट करना होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कि ये कैंडल का हाई निकलकर क्लोज हो पाता है। हाई अगर 4984 है
उसके ऊपर क्लोज हो पाता है कि लो है 14821, हमें 821 के नीचे क्लोज चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि एक ट्रेंड रिवर्सल एक्ट कर रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो काफी ट्रेडर्स करते हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डोजी को सही मायने में देखा जाता है। आशीष जी आप ये कह रहे हैं कि डोजी अकेले कुछ नहीं बताता है, डोजी कैंडल के बाद फॉलोइंग कैंडल्स क्या हो रही हैं या उसके बाद का ट्रेंड उससे समझ में आएगा, उससे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझा आपने कि डोजी से अकेले आप कुछ निर्भर नहीं कर सकते, लेकिन डोजी के आगे पीछे क्या हुआ है उस कैंडल से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल बाजार में हो क्या रहा है। तो जैसे ये कैंडल के बाद की कैंडल में भी बैलेंस्ड अप्रोच था, तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, हमें अभी वेट करना होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, डोजी में भी क्या कई तरीके की डोजी होते हैं क्या आशीष जी? हाँ बिल्कुल, अभी देखिए डोजी में एक डोजी होता है ग्रेवस्टोन डोजी जिसे कहा जाता है, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या है कि ऊपर का बहुत बड़ा शेडो होता है और नीचे आके वो क्लोज होता है, डे लो के पास में आके क्लोज होता है, तो वो एक हो गया ग्रेवस्टोन डोजी। इसी तरीके से काफी दूसरे डोजी कैंडलस्टिक, तीन चार तरीके के पैटर्न होते हैं, लेकिन मेरे लिए डोजी पे ज्यादा महत्व देना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि डोजी के बाद क्या हुआ है मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी तो आशीष जी, डोजी और डोजी के बाद के दो या तीन कैंडलस्टिक्स को मिला करके भी कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वो कौन से पैटर्न्स हैं और उनको कैसे पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, अभी देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूं कि डोजी के बाद में अगर कोई कैंडल पैटर्न बनता है और डोजी नहीं भी हो, कोई भी कैंडल के बाद में दूसरा कैंडल पैटर्न अगर कंबाइन करते हैं तो वो किस तरीके से रीड करना चाहिए। अभी अगर आप ये देखेंगे, ये एक कैंडल बना है जिसको छोटा सा अगर आप देखेंगे तो छोटी बॉडी है, शेडो बड़ा है नीचे का। इस कैंडल के बाद में ये जो कैंडल बना, जो 12 मार्च को बना, ये बहुत बड़ा कैंडल था, इसे हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपके पूरे के पूरे प्रायर डे के बॉडी को एंगल्फ कर चुका है। तो अगर ये पूरे प्रायर डे के बॉडी को एंगल्फ कर चुका है, इससे पता चलता है कि इस दिन पे ट्रेंड बेरिश था और उसमें सेलिंग प्रेशर था। लेकिन यहां पर भी एक कॉमन मिस्टेक जो काफी ट्रेडर्स करते हैं, वो सेकेंड डे के कैंडल पे ही सेल कर देते, नहीं आपको वेट करना होगा थर्ड कैंडल पे। तो पहला कैंडल आपने देखा, उसको पूरा पूरा एंगल्फ इस बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ने किया, इस पे आपको सेल नहीं करना है, आपको थर्ड कैंडल पे अगर इस कैंडल का लो निकल जाता है तो वहां पर सेल करना है। नाउ ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से पता चलती है, और ये चीज सही मायने में ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। होता क्या है, ये कैंडल फॉर्मेशन पे होती है, आप सेल कर देते फिर नेक्स्ट डे गैप अप हो गया और आप बोलते हैं अरे ये तो मैंने सेल किया था और गैप अप हो गया। इसका मैं क्लासिक एग्जांपल आपको यहीं पे दिखा देता हूं। बजट के पहले वाले दिन पे एक बेरिश एंगल्फिंग बना। बेरिश एंगल्फिंग नॉर्मली रिवर्सल पैटर्न होता है, यहां पर आप देखेंगे तो ट्रेंड पहले से ही नीचे था, तो ये बेरिश एंगल्फिंग का महत्व कम हो जाता है, ये एक चीज समझना होगा। दूसरा, ये एंगल्फिंग के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बना, इसने लो नहीं निकाला, तो आपको ट्रेड लेना था, ये डोजी बना, बेरिश एंगल्फिंग बना। अगर आपको ट्रेड लेना भी था तो इस कैंडल के नीचे लेना था, लेकिन नेक्स्ट डे इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ तो आपको ट्रेड नहीं लेना था सेल साइड पे। दो कारण है, एक तो ये रिवर्सल के वक्त नहीं बन रहा है बल्कि कंटिन्यूएशन के वक्त बन रहा है, दूसरा ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो आपको ट्रेड नहीं लेना था। अगर आप ये छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो कैंडलस्टिक जैसी चीज बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आप इसे यूज कर पाते हैं। साथ ही में बेरिश के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी होता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे कैंडल को बुलिश कैंडल ने एंगल्फ कर दिया। तो अगर हम वो ढूंढने की कोशिश करें यहां पर और देखें कि कहां पर रिवर्सल था और कहां से हमें एक बुलिश पैटर्न या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, वहां से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड बाजार में क्या था। चलिए एक मंथली चार्ट पे चलकर देखने की कोशिश करते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहां बना। अगर आप देखेंगे ये जो लो है बाजार में करीबन यहां पर, एक सेकेंड मैं लेटेस्ट चार्ट पे आ जाता हूं जिससे आपको पता चले। यहां पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो फिलहाल मुझे इस चार्ट पे यहां पर दिखने नहीं मिल रही है। हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा डोजी बनाया, उसके बाद इसकी बॉडी को पूरे के पूरे इस
बॉडी ने एंगल्फ कर दिया, ग्रीन कलर की कैंडल है, तो यहां पर हमें मंथली स्केल पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद में अच्छा खासा मूव था, क्योंकि यहां पर ये बुलिश एंगल्फिंग के बाद में करीबन निफ्टी ने 600-700 पॉइंट की ऊपर की मूव थी। सेम चीज अगर आप देखेंगे यहां पर ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है बाजार में, प्रीवियस कैंडल के लो को मंथली बेसिस पे क्लोज नहीं कर पा रहा है बाजार, लेकिन बहुत समय के बाद में हमें डोजी देखने मिली मंथली कैंडल पे। डोजी अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉज है, हमें देखना होगा ये पिछले मंथ की जो मार्च की लो बनी है 14,264 या हाई बनी है 15,336। अभी की अप्रैल के महीने में वो कैंडल का हाई या लो निकालेगा तो ट्रेंड उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप खाली उसी वक्त के कैंडल पे रिलाई ना करें, बल्कि आपको वो कैंडल के बाद में जो ट्रेंड इमर्ज होता है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने अभी तक जो देखा डोजी के बारे में समझा, डोजी के साथ में बुलिश एंगल्फिंग समझा, उसके साथ में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझा, और उसके साथ में अगर मैं एक और पैटर्न जोड़ना चाहूं जो आपको बहुत आसान होगा समझने के लिए, वो पैटर्न को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन या हैमर। हैमर एक ऐसा पैटर्न होता है जो बॉटम के वक्त बनता है, वहां पर आप देखेंगे बॉडी की साइज छोटी होती है और शेडो बड़ा होता है। अगर यहां पर मैं देखना चाहूं कि हैमर जैसा पैटर्न कहां पर बना है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं यहां पर, ये कैंडल, ये सिंगल कैंडल को हैमर कहा जा सकता है, क्योंकि शेडो बड़ा है, बॉडी छोटी है, और इसे हैमर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखता भी उसी तरीके से। उस कैंडल पे कुछ नहीं करना है, बल्कि नेक्स्ट कैंडल जब इस हैमर को ऊपर में ब्रेक की, तो यहां पर ये पता चलता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रिवर्स हुआ, आपको यहां लॉन्ग जाना है, हैमर के लो को स्टॉप लॉस रखे और ट्रेंड को राइड करना है जब तक आपको प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं मिलता। सेम चीज आपने यहां भी देखी, देखिए ये कैंडल ने भी हैमर बनाया और उसके बाद से रिवर्सल हुआ, तो हैमर होता है एक पॉजिटिव कैंडल। हैमर के एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर टॉप पे हैमर बनता है तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब हुआ कि ऊपर की जो कैंडल है ये टॉप पे बनी। अगर हैंगिंग मैन देखने की कोशिश करें यहां पर हम, तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें शेडो बड़ा है, बॉडी छोटी है, एक रेड कैंडल बना है टॉप के पास में, इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। लेकिन आपको हैंगिंग मैन पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के लिए। नेक्स्ट कैंडल ने लो नहीं निकाला लेकिन इस कैंडल ने निकाला, तो यहां पर पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर 2-3 दिन या 1 दिन के लिए बन सकता है। तो हैंगिंग मैन के हाई का स्टॉप लॉस रखे, आपने इधर शॉर्ट किया और उस हिसाब से आपको थोड़ा पैसा मिला, इसमें ट्रेंड बड़ा नहीं मिला, लेकिन कभी अगर आप ये यूज करें तो अच्छा खासा ट्रेंड भी आपको मिल सकता है जो नीचे की ओर जाने की गुंजाइश है। जैसे यहां पर देखा ये हैंगिंग मैन जैसा नहीं है क्योंकि शेडो ऊपर भी है, लेकिन हैंगिंग मैन अगर होता तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड यहाँ पे नीचे की ओर मिलता। तो इस तरीके से जैसे हमने देखा बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, ये पैटर्न्स को अगर आप ठीक से स्टडी करें, पैटर्न को समझे, लेकिन उसके साथ में अगर आप ठीक से उसे अप्लाई करें चार्ट पे, ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ के, विश्वास रखिए आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी या एक्यूरेसी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी इस जानकारी के लिए, बहुत अच्छी जानकारी, और समझ में आता है कि डोजी कितना इंपॉर्टेंट है और डोजी के फॉलोइंग एक दो कैंडल से कितना बड़ा प्रेडिक्शन कितने अच्छे से निकाला जा सकता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, समय का अभाव है, हम आपको ज्यादा नहीं परेशान करेंगे, लेकिन इसको जारी रखते हैं इस क्लासरूम को, और अगले क्लासरूम में हम शायद इसी को कैंडलस्टिक्स को और आगे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ है हमारे पास आपसे सीखने के लिए, आपके पास है, और इस क्लासरूम को चालू रखेंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। थैंक यू आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।